हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में दिया गया था। आई होप कि आप इसको ट्राई किए होंगे। क्वेश्चन है कि कोई करंट लूप है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हैं, तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग लूप है, तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और किसी भी लूप से या किसी भी क्लोज सरफेस से, एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। इस बात को गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहा जाता है, जिसके अनुसार समेशन बी डी एस इज इक्वल टू 0। इसका इन्फेरेंस यही है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर इंटरिंग अ सरफेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। ये पहला है इन्फेरेंस। और दूसरा, दैट मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जब भी एग्जिस्ट करता है तो एक डाइपोल के फॉर्म में रहता है, सिंगल पोल या मोनोपोल के फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। ये आंसर हो जाएगा कि अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
तीसरा है लैंज रूल, और चौथा है बायट सेवेट रूल। देखिए, यदि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पर उस पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, वो फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेगा, उसका डायरेक्शन इसमें से किस लॉ से दिया जाता है? लेंज लॉ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, जो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ को बताता है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब एक है बायट सेवर्ट लॉ, ये मैग्नीट्यूड को बताता है किसी करंट कैरिंग वायर के चलते किसी पॉइंट पर कितना मैग्नीट्यूड होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में समझना यह है कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त और एक्यूरेट होगा, क्योंकि हम समझाते हैं आपको कि बाएं हाथ में जैसे हम लोग तीन फिंगर्स को म्यूचुअली एक दूसरे के संपर्क में कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, बाकी दोनों उंगली को अपने हथेली पर पाम पर रखते हैं। दिस इज़ द सेंट्रल फिंगर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द फोर फिंगर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द थम विच गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट्स आवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब एक सवाल है कि इन एसआई यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन एसआई यूनिट द मैग्नेटिक परमेबिलिटी द मैग्नेटिक परमेबिलिटी has units. First option Weber per meter per ampere, second है Weber meter per ampere, third है Weber पर मीटर एम्पियर स्क्वायर, एंड उसके बाद है वेबर मीटर एम्पियर। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो यूनिट है वो हम लोग का परमेबिलिटी का होगा। तो देन इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो टर्म आता है वो आता है जैसे बी बराबर म्यू नॉट एन आई या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और भी जगह से हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में भी फॉर्मूला आता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, वहाँ से भी हम लोग म्यू नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मान लीजिए किसी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आप इसके अलावा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डी बी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, उसको भी यूज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इजीली इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम लोग पहले इस फार्मूला से निकालते हैं, फिर एक अनदर फार्मूला ट्राई करेंगे। यहाँ से म्यू नॉट इज इक्वल टू बी बाय आई, एन का अभी नहीं लिखते हैं वैल्यू, बिकॉज एन एक डिजिट है, एक नंबर है, एक संख्या है,
बी म्यू नॉट इज इक्वल टू, जैसे बी है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट्स आवर फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ से बी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई बाय ए। तो देखते हैं, ए फोर यहाँ पर एरिया वेक्टर है, तो फाई बाय ए इंटू आई। अब इसके बाद फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर और करंट का, देखने में ज़रा मिस्टेक है यहाँ पर, पावर में टू है ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप यदि इसको बैठाते हैं तो म्यू नॉट इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। इसका एक और प्रूफ कैसे निकल सकता है, तो देखिए बायोट सेवर्ट लॉ से हो जाता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, म्यू नॉट बराबर लिख सकते हैं डी बी इंटू आर स्क्वायर बाय आई इंटू डी एल। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे क्या लिख सकते हैं, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो आप टेस्ला लिख सकते हैं, लेकिन बी के बदले हम लोग यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं बी बराबर फाई बाई ए, तो फाई बाई ए इंटू आर स्क्वायर बाय आई इंटू डी एल। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा, तो देन दैट वैल्यू विल हैव फ्लक्स का वेबर, इसका मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, तो वेबर पर मीटर पर एम्पियर। यहाँ पर पावर -1 ही होगा। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने को मिलेगा कि ये आखिर मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, इसमें एम का पावर -2 कैसे आया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर यहाँ से मिलेगा। इस एन जिसको हम लोग यहाँ पर नेगलेक्ट किए थे कि एन एक डिजिट है, एक्चुअली में ये जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका वैल्यू एन बाय एल, और ये एल आपको चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा एन। ये एन एक संख्या है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर में इस लेंथ के जगह हो जाएगा मीटर, तो म्यू नॉट बराबर वेबर एम टू द पावर -1 ए टू द पावर -1। ये हुआ एक्यूरेट आंसर जिसको हम लोग नेगलेक्ट किए थे, तो -2 आ रहा था, तो हमें कन्फ्यूजन था कि कहीं मिस प्रिंटिंग ना हो, तो मिस प्रिंटिंग नहीं था, एक्यूरेट आंसर था। और इस प्रकार से हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वेबर पर मीटर पर एम्पियर। इसके बाद
गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू अमीटर बाय प्रोवाइडिंग अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू अमीटर बाय प्रोवाइडिंग लो रेसिस्टेंस इन सीरीज लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज और एक ऑप्शन है हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए इसको समझते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय प्रोवाइडिंग, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यदि इसके आंसर को डिस्कस कर लिया जाए तो इससे कोई आउटकम नहीं आने वाला है। हम लोग को इससे प्रॉपर वे में ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए इसके लिए आपको डायरेक्ट तो आंसर ऐसे हो जाएगा कि बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू रेसिस्टेंस बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू रेसिस्टेंस इन लो वैल्यू रेसिस्टेंस कॉल्ड संट इन पैरेलल बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू रेसिस्टेंस कॉल्ड संट इन पैरेलल वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेसिस्टेंस हम लोग संट को जोड़ते हैं, उसको लिखेंगे आरएस। आरएस का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ संट। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और जो आरएस है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ संट उसको पैरेलल में जोड़ा गया है। तो सिर्फ इतना ही बोल देना कि पैरेलल में जोड़ा गया है तो इससे ये अमीटर बन जाएगा, इतना काफ़ी नहीं है। इसका बिहेवियर क्या होगा, पैरेलल में जोड़ा गया है तो हाउ इट विल बिहेव। तो मान लीजिए इधर करंट जा रहा है आई, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट चला गया आई जी और इधर चला जाएगा करंट आई माइनस आई जी। इधर करंट जा रहा है आई, इस डायरेक्शन में चला जाएगा आई जी और नीचे की ओर चला जाएगा आई माइनस आई जी। और चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल बराबर होगा। लिखेंगे पी डी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी इज इक्वल टू पी डी अक्रॉस एस।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से हम लोग देखेंगे। ओम्स लॉ से फॉर्मूला हो जाता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी जी इज इक्वल टू वी एस, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। ओम्स लॉ से फॉर्मूला हो जाएगा वी जी का, जैसे लिखेंगे आई जी इंटू जी, और इसका हो जाएगा इसके अक्रॉस करंट जा रहा है आई माइनस आई जी इंटू रेसिस्टेंस है आर एस। अब यहाँ से आप आर एस का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपको आ जाएगा आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। अब इसके बाद दो रेसिस्टेंस यहाँ पर हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, एक जी है और एक आर एस है, तो दोनों जब पैरेलल में हैं तो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो दो रेसिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं, जैसे मान लीजिए एक का वैल्यू आर वन है और एक आर टू है, तो हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस के लिए इन पैरेलल लिखते हैं वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाय आर इफेक्टिव इक्वल टू वन बाय जी प्लस वन बाय आर एस। वन बाय आर इफेक्टिव बराबर वन बाय जी प्लस वन बाय आर एस। तो वन बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा जी आर एस, एंड जी से जी मैच करेगा तो यहाँ पे आर एस प्लस आर एस मैच करेगा तो जी। तो वन बाय आर इफेक्टिव बराबर वन बाय आर इफेक्टिव बराबर जी प्लस आर एस बाय जी आर एस। तो सिर्फ यहाँ से आर इफेक्टिव बराबर जी आर एस बाय जी प्लस आर एस। आर इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इंटू आर एस बाय जी प्लस आर एस। एंड नाउ यहाँ से यदि आप देखते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ आर एस इज सो मच स्मॉल एंड इन कंपेयर टू दैट द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी हाई, तो लिखेंगे इफ इफ जी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस, इट इम्प्लाइज दैट जी प्लस आर एस इज नियरली इक्वल टू जी, इट इम्प्लाइज दैट आर इफेक्टिव बराबर जी आर एस बाय जी। एक कट जाएगा आर इफेक्टिव बराबर आर एस। इसका मतलब आमीटर या बोलिए कि गैल्वेनोमीटर का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो शंट के बराबर आया, और शंट जो होता है वो एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस डिवाइस होता है। इट मीन्स टू से दैट कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो वैल्यू को होगा, और यदि रेसिस्टेंस लो वैल्यू को होगा तो डेफिनेटली जो करंट का वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। यदि रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होगा तो उस जगह पर वहाँ से करंट का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली हाई होगा। तो वैसे परिस्थिति में, वैसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि आर इफेक्टिव इक्वल टू जो आर एस आया, कि रेसिस्टेंस कम है करंट ज़्यादा होगा, तो इट विल जस्ट बिहेव लाइक एन आमीटर। आमीटर बन नहीं जाता है, उसके जैसा बिहेव करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अब इसी के बाद
एक प्रश्न आता है जहाँ पर ये पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इस वैल्यू को याद रखिएगा कि आर इफेक्टिव आर एस के बराबर होता है और आर एस एक बहुत ही लो वैल्यू रेसिस्टेंस डिवाइस होता है। इसके यूज से हम लोग आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है ये फाइंड करेंगे और इसी प्रकार से डेरिवेशन कैलकुलेट करके आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।